गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है कि आप कुछ नज़र तो आ रही होगा वैसे, तो ये रोड ही ऐसा है कि हम कुछ नज़र नहीं आता। तो बारिश हुई अभी काफ़ी टाइम हो गया, बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो अभी बारिश रुकी है। तो सीन कुछ ऐसे है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा सीन हमारा, किधर जाने का कुछ खाने का, मतलब मौसम ऐसा है जाते हैं वैसे खाते था रोज़ ही, लेकिन आज कुछ खास सीन बना है रात के टाइम। ओके सर, ओके आपसे मिलते हैं आपको बेटा चमन में, हम क्या करने चाहते हैं। के अपना क्वेटा कैफे हो रही है जी। आज बारिश अटक में माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम है और हम लोग आ गए क्वेटा कैफे पराठे खाने, और ये मज़ेदार पराठे बन रहे हैं। ये हमारे क्वेटा के भाई है, रहते भी क्वेटा में, इनसे हमारी बात चल रही है। तो इनको अभी हमने चिकन चीज़ पराठा बोला था, वो हमारा तैयार हो फिर हम ऊपर चलते हैं। फिलहाल हम आग गर्म कर रहे हैं, ठंड इतनी है। क्यों जी कामिल भाई? बिल्कुल यार, बिल्कुल पिछले व्लॉग सामने आओ ना, बात सुनो ना। पिछले व्लॉग में तुमने हमारी पिस्ती, तुम गालियाँ क्यों निकालते हो? गालियाँ ना निकाला करो। अच्छा, बताओ गालियाँ मुझे किसने बताया, किसने बोला था कि ऐसा बोलना है? तुम खुद अपनी तुम्हारी नहीं, नहीं, यार मौसम चेक करो कितना प्यारा, बारिश हो रही है यार, बहुत प्यारा मौसम। ये आलू वाला पराठा है, ये आलू वाला पराठा है, आलू वाला कोई कहता है पराठे वाला ना। स्टाइल बड़ा जबरदस्त, इसका मछली स्टाइल बनाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो बटर बटन आता है ना हाँ, पटाखे वाला है, पटाखे वाला सही हो गया। स्टाइल है वैसे। आप क्वेटा के हो? नहीं, वो भी क्वेटा के, वो भी क्वेटा के रहते, क्वेटा में ही हो। हम लोग क्वेटा से, आप ये भाई क्वेटा से, बाकी लोग सब भाई जोड़ वाला है, सारे भाई क्वेटा के हाँ, सारे क्वेटा वाले, सारे भाई जोड़ वाले। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। सब कह रहे थे कि सारे भाई जो है वो बाजोड़ वाला है, क्वेटा वाला नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो गए थे। बहरहाल भाई ने हमें बड़ा अच्छा पराठा बना के दिया, देखने में तो ये बहुत ही लजीज लग रहा है और टेस्ट में भी वाकई लजीज था। अच्छा जी, खाना पीना हमारा हो गया था, बहुत हमने इंजॉय किया। जो मौसम की नियत थी उसके मुताबिक हमने चिकन पराठे और साथ में चाय ऑर्डर की, वो खाया। और अब हम जा रहे हैं कामिल भाई को उतार के अपने घर, और आगे एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना, ये बड़े गंदा गिरे हैं। बचत होगी है जी? नहीं कुछ नहीं, छोटा बच्चा है यार, इसको उठाओ। नहीं कुछ नहीं, मैं उठा सकता, उठो मुझे पकड़ाओ, मुझे पकड़ाओ। ठीक हो जी, आ गए जी, वाह जी वाह, इतना काका, इतना तो ख्याल करो भाई, जड़ा ना बच्चा बच गया, बच्चा बच गया। अच्छा, तो आपका भाई पहुंच गया फाइनली, ठीक ठाक सुकून से घर पहुंच गया है। और जैसे कि आपने देखा अभी रोड में, अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट होने वाला था, हुआ है, बल्कि बच्चा रोड पे गिरा हुआ है, ठीक है ना, छोटा सा मासूम सा बच्चा था, उम्र उसकी क्या होगी, 6 माह या 7 माह उसकी एज होगी। तो लिहाजा भाइयों ऐसे है कि आप लोग बाइक स्लो चलाया करें, सुकून से चलाया करें, ख़ास तौर पे तब जब आपके साथ फैमिली बैठी हुई हो, जब आपके साथ बच्चे बैठे हुए हो, तब तो आपको चाहिए कि आप सुकून से चलाएँ। अभी उस बच्चे को कुछ हो जाता तो स्लो चलाया करें, हर सुकून से चलाया करें। व्लॉग बनाने का आज तो हमारा बिल्कुल मूड नहीं था, बट हमने तब बनाया, मौसम बारिश हो रही थी और चिल मस्ती करने हल्का हल्का छोटा सा मिनी व्लॉग बना लिया, ठीक है ना। उम्मीद ये है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्या एक्टिंग कर रहा है, अभी बना है। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अरे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट आएगा आपका भाई, आपको अच्छे कंटेंट के साथ व्लॉग्स बना के दिखाएगा।
और वो तब जब आप भाई को सपोर्ट करेंगे। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।